साथियों नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि पशुओं की डिवर्मिंग क्यों जरूरी है, पशुओं की हमें डिवर्मिंग क्यों करवाना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि यदि आप पशुओं की डिवर्मिंग करवाते हैं तो आपको क्या फायदे मिलते हैं और क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। यदि एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पशुओं में कई फायदे आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकली वीडियो है, कहीं किसी तरह की हम दवाई बता नहीं रहे हैं। इसमें जो आपके पशुओं में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हम बात करते हैं डिवर्मिंग के बारे में। तो डिवर्मिंग लगभग लगभग हर पशु मालिक को, हर वेटनरी डॉक्टर को करवानी चाहिए, समय समय से डिवर्मिंग करवानी चाहिए। इसके कई फायदे आपको देखने को मिलेगा। हम कुछ फायदों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। यदि आप पशुओं की डिवर्मिंग करवाते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे, तो देखिए, यदि आप समय समय से पशुओं की डिवर्मिंग करवा रहे हैं तो सर्वप्रथम आपका पशु जो रहता है वह स्वस्थ रहेगा, बीमार बहुत कम होगा। एक फायदा तो आपको यह देखने को मिलेगा कि यदि आपने पशु की समय रहते डिवर्मिंग करवा रहे हैं तो आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। इसके बाद जो पशु दुधारू है उसका यदि दूध कम होता रहता है, आप यदि समय समय से डिवर्मिंग करवाएंगे तो उसका दूध बिल्कुल भी कम नहीं होगा, दूध और बढ़ता रहेगा। एक ये फायदा देखने को मिलेगा। यदि पशु इम्यूनिटी कम है, यदि आप समय समय से डिवर्मिंग करवाएंगे तो उसकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, यह भी फायदा देखने को मिलेगा। और जो पशु बार बार बीमार होता है, यदि आप समय समय से डिवर्मिंग करवाएंगे तो जो पशु बार बार बीमार होता है वो भी नहीं होएगा। यदि कुछ पशु पानी कम पीते हैं उनको भी यदि आप समय से डिवर्मिंग करवाएंगे तो वो भी पानी समय से पीता रहेगा। चारा कम खा रहा है तो ये भी समस्या नहीं होगी। और जो पशु के शरीर पर चमक नहीं रहती है, यदि आप समय समय से डिवर्मिंग करवाएंगे तो पशुओं के शरीर में चमक बनी रहेगी। यदि आपका पशु दुबला पतला है तो यदि आप समय समय से डिवर्मिंग करवाएंगे तो धीरे धीरे ग्रोथ होती जाएगी, मोटा तगड़ा होता जाएगा। यह भी हमें डिवर्मिंग का फायदा देखने को मिलता है। लगभग लगभग हमें कई सारे फायदे देखने को मिलता है। आपका पशु बीमार भी बहुत कम होगा और लगभग लगभग आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। यह है डिवर्मिंग के फायदे देखने को। और जो पशु जिसमें खून की कमी होती है, यदि उनके आंतों में कीड़े हो जाते हैं, जर्म्स हो जाते हैं, तो ये क्या रहते हैं, जो आंतों में जो कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, ये क्या रहते हैं, पशुओं के जो शरीर में से खून खींच लेते हैं, खून पी जाते हैं, जिससे उनमें एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। यह भी नहीं होगा, तो आपको डिवर्मिंग करवाने से यह अनेक फायदे देखने को मिलेगा। तो आप अपने पशुओं की समय रहते डिवर्मिंग करवाते रहिए। इसके मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि डिवर्मिंग हमें कब करवानी चाहिए, कौन से पशुओं की कौन सी बोलस देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए, इनके अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, तो आप उनको जरूर देखें, जिससे कि आपके पशुओं में हमने जो फायदे बताए हैं वो फायदों आपको देखने को मिले और आपका पशु हमेशा के लिए बहुत कम बीमार हो, इम्यूनिटी बनी रहे। इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग जरूर करवाएं। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।